अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। सो गाइस, बहुत से कमेंट थे अनी के ब्लॉग पे भी और मेरी भी कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे तीन चार दिन से, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे तीन चार दिन से। तो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इमरजेंसी में हमें सीधा पानीपत जाना पड़ा। और पानीपत क्यों जाना पड़ा, जैसे मम्मी का भैया का फ़ोन आया था अनी के पास। तुम बताओ बताओ बताओ। अनी का फोन, भैया का फोन आया था। ये आगे रख दो थोड़ा सा। तो भैया का फोन आया था अनी के पास। तो पहले तो अनी को बोला कि मतलब साइड में होके बात करना, अनी को पता नहीं एकदम से शॉक हो गई कि क्या बात होगी। तो अनी दूसरे कमरे में जाके बात कर रहे थे। तो फिर उसके बाद अनी को पता चला जो भाभी हैं उनके पापा जी एक्सपायर हो गए, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो एकदम से शॉकिंग वाली न्यूज़ थी। तो भाभी को नहीं बताया हमने। और फिर मम्मी ने बोला कि भाभी को मत बताना, उसको बहाने से लेके आना घर पे। तो उनको बहाने से लेके गए घर पे कि मम्मी ने बोला कि ये बोल देना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मतलब आईसीयू वगैरह में थोड़ी सीरियस कंडीशन है। तो ऐसे लेके आए। वैसे मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था बट ज़्यादा चोट नहीं लगी थी मम्मी को, थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो फिर उसके बाद हम भाभी यही बताया हमने भाभी को कि ना मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। तो इसी में इतना रोने लगे। तो मैं कहा सही है कि हमने ये नहीं बताया कि उनके पापा एक्सपायर हो गए। हम इंस्टेंट उसी दिन चले गए। पर जैसे उनके जो भाभी है उनके भैया जो भाभी है ना उनके भैया का फ़ोन आया कि अभी वहाँ पे मत लेके आना क्योंकि जो डेड बॉडी है वो कल सुबह मिलेगी। तो फिर उस दिन हम सीधा पानीपत गए उनके मायके, मतलब भाभी के मायके नहीं गए। और हमने भाभी को बताया भी नहीं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती, इसलिए ना हमने उनको नहीं बताया। फिर उसके बाद जैसे भैया ना मतलब कि दादा को लेने गए हुए थे गाँव, तो भाभी मतलब एकदम वही है ना, शक तो उनके अंदर था कि कुछ ना कुछ तो बात है। अरे नहीं, बात ऐसी नहीं थी, मतलब जैसे बताया था ना कि जब मैंने तुम्हें बुलाया था फिर वो थोड़ा सा इस तरीके से बताया। देखो बताना तो हम चाहते थे बट वो रीज़न क्या था मैं ना बताने का, क्योंकि ऑब्वियसली रेखा एक लड़की है और जब अपने माँ बाप का ऐसा कुछ हो जाता है ना तो लड़का तो कहीं ना कहीं संभाल लेता है लेकिन लड़की नहीं संभाल पाती है। और इसी वजह से रेखा को ना सिर्फ ये बताया कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ से एमरजेंसी से बहुत ज़्यादा करने लगे। चलो अब हम तो उस देखो हमें बुरा भी लग रहा था, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि हम एक तो सच नहीं बता रहे और ऊपर से इतना इमरजेंसी में भाग रहे हैं जैसे पता नहीं एकदम से क्या हो गया। और हम यहाँ से सीधे निकल गए, पानीपत पहुँच गए। पानीपत वहाँ पे मम्मी के सब पैर में थोड़ी सी चोट लगी हुई थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा रेखा को डाउट हो गया होगा। तो देन उसके बाद में बताने का ना रीज़न ये था क्योंकि जो रेखा का भाई है उसने ये बोल दिया था कि जो अंतिम संस्कार है वो अगले दिन होगा, तो इससे अच्छा ना बताओ। और अगले दिन भी ना 10 बजे के आसपास जो बॉडी मिलनी थी, और इस वजह से उन्होंने बोला कि एक तो ना उनका दिल थोड़ा सा कमज़ोर है, वो मतलब कि जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। और वो ये पूरी रात पड़ी थी और ना उनकी मम्मी को, उनकी दूसरी जो बड़ी बहन है, किसी को नहीं मतलब किसी को नहीं पता था, सिर्फ उनके भैया भैया को पता था। फिर उनको ना थोड़ा थोड़ा सा तो डाउट सा होने लग गया था। पर सुबह जैसे सुबह भी हमने क्या बताया कि उनकी जो दादी हैं थोड़ी ओल्ड होगी, तो भाई उनकी दादी की कंडीशन थोड़ी सीरियस है, हमें ना जाना पड़ेगा। तो फिर हमने यही बोल के गए, पर उनके मन में ना कहीं ना कहीं ना कुछ ना कुछ हलचल चलती थी। और एक दिन पहले जैसे अनी ने ना, अनी कह रही हूँ मतलब भाभी के मन में ना डाउट सा गया कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, मुझे घर पे फ़ोन करना, बात करनी। उन्होंने अपनी मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन किया, मम्मी का फ़ोन ऑफ था, फ़ोन मिल नहीं रहा, तो उनको और थोड़ा शक सा हो गया। फिर एंड में उन्होंने अपने भाई से बात करी, फिर भैया ने मतलब कि उनको बोला कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, और दादी वही दादी का ही बताया उनको। फिर उसके बाद उनको ना डाउट तो पता है क्या, तो उनको डाउट था अपनी मम्मी का कि भाई मेरी मम्मी को कुछ ना हो गया हो, क्योंकि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। तो बस मम्मी की तरफ ध्यान था, पापा की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था कि पापा को कुछ हो गया। हाँ, ऐसा उसको पता ही नहीं था कि मतलब कि पापा का भी हो सकता है। उसको थोड़ा ये था कि दादी का नहीं होके ना शायद मम्मी का कुछ हो गया, मम्मी का कुछ, मतलब कि वो भी ऐसा नहीं कि मतलब कि एक्सपायर वगैरह, कि मतलब कि हॉस्पिटलाइज या फिर कुछ ऐसा हो गया।
कुल मिला के ना नाम बताना बहुत ही सही रहा, क्योंकि एक वो पूरा दिन और उससे अगले दिन, क्योंकि यार अब जैसे प्रीत के भी पापा नहीं है तो प्रीत तो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मैंने देखा है लिटरली आंखों से, जब मैंने जस्ट बोला ना लड़के तो कहीं ना कहीं संभाल लेते अपने आप को, जो मेरी बहनें थी ना वो मतलब ये लगा रहा सर दे के मार रही थी जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, तो यही सोच के ना मेरे को सही बताऊँ बुरा तो लग रहा था, मैं प्रीत से बोल रहा था कि मतलब यार बुरा तो बहुत लग रहा है, पर पता है कि अगर बता दिया ना तो इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी हद से ज़्यादा, और लड़कियां नहीं रोक पाती हैं। और भाई सेम चीज उनकी माँ हालत बिल्कुल खराब, ये लगा लो रेखा कितनी बड़ी मुश्किल से पकड़े हैं वो, तो कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मतलब बाहर जैसे आदमी वगैरह खड़े हुए थे, उनके मन में फिर भी मतलब कि उनके मन में ना फिर भी ना हलचल सी मची थी ऐसे, मतलब आदमी क्यों खड़े हैं, दूर दूर तक उनको पता ही नहीं था कि भाई क्या हो गया। हाँ तो दूर दूर तक ना उनको मतलब कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तब वो जैसे अंदर गए ना घर के अंदर, उनको लगा कि हाँ भाई दादी भी ठीक है, दादी सामने ही बैठी हुई थी, मम्मी है मम्मी भी ठीक है, उनको माइंड उनका काम ही नहीं कर रहा था कि वो पूछ मतलब वो पूछने लगे क्या हुआ, तब पता नहीं दादी ने बोला पता नहीं उनकी बुआ ने बोला ना उनके साथ ही थी कि बेटा पापा नहीं रहे, वो वहीं पे गिर गए वो, और फिर उसके बाद मतलब कि बड़ी मुश्किल से वो संभाले, और फिर उसके बाद जैसे एंड में जैसे मूसा जी की वो डेड बॉडी आई तब मतलब उनको दिखाने लेके गए, तो मतलब उनका ये था एक बार दिखा दो एक बार दिखा दो, दिखाने लेके गए मैंने मतलब कि जैसे उनका फेस दिखाया ना वो वहीं पड़ गए बिल्कुल, मतलब उठाना भारी हो गया था उनको कि मतलब, फिर उसके बाद हम वापस अंदर लेके गए उनको, फिर भी बोला कि एक बार दिखा दो एक बार दिखा दो, भाई उनको नहीं थी कि भाई उनको दोबारा दिखा सकें, क्योंकि बिल्कुल ही एकदम देखते बेहोश हो गए उनके, जैसे देखा ना उनका मूसा जी का जो चेहरा था ब्लड वगैरह लगा हुआ था, तो उनको ले गए अंदर, फिर बाद में उनके पेट वेट में भी जैसे दर्द हो गया, प्रेगनेंस हैं तो इस वजह से, तो घर वाले और उनका डर था कि हाँ भाई मतलब कि ये ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, तो उनको एक ही बार दिखाया फिर अंदर ले गए, बड़ी मुश्किल से उनको चुप करवाया, और मतलब यार सच्ची में ना ये तो अनी और मैं हम दोनों से ज़्यादा कोई समझ ही नहीं सकता, मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं होते ना पापा नहीं होते वही समझ सकते हैं कि भाई क्या दुख होता है भाई माँ बाप के जाने का, और ना पता क्या यार इन सब चीज़ों में ना मुझे एक चीज़ पे बड़ा गुस्सा आया, वो सब भी देखते होंगे कोई रिश्तेदारी वगैरह कोई भी ब्लॉग देखे यार, देखो जिनके फैमिली में से जो जाता है ना सिर्फ उन्हीं को दुख होता है, सच्ची बताऊँ तो उनके बच्चों को या वाइफ को, उसके अलावा किसी को कोई दुख नहीं होता, सब नौटंकी करते हैं, मैंने ये चीज़ जरूर भांपी है, क्योंकि मेरे सामने जैसे जब से मैं मैच्योर हुई हूँ ज़्यादा कोई डेथ वेथ नहीं हुई, अभी सामने से तो इनका ही देखा है, और कुछ ना ऐसे कि भाई हम जैसे उनको शांत करवा रहे हैं कि रोना नहीं है मतलब कि आंसू पोंछ रहे हैं मतलब, फिर उसके बाद कोई भी आता है तो जो रो नहीं रहा ना उनको भी मतलब ये रुला देता है कि भाई रोना मत, मैं यार वो इंसान रो नहीं रहा, वो अपना बस सोच रहा है याद मतलब अपनी मेमोरी कलेक्ट कर रहा है, याद कर रहा है कि हाँ भाई ऐसे हम रहते थे ऐसे नहीं, और उस इंसान को आके रुला रहा है कि रोना मत, यार वो रो ही नहीं रहा तो उसको जानबूझ के बोल रहे हो कि रो मत, ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, आते हैं दो मिनट की एक्टिंग करके चले जाते हैं कि हमारा तो ये था हमारा तो वो था, पर रियल पेन तो जिनका पापा गए उनको ही हुआ है, और भाई हस्बैंड वाइफ को होता है और किसी को नहीं होता, और सब दिखावे ही करते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है। मतलब हमारा असली मैं बताऊँ उस दिन तो हम जब जिस दिन गए थे हम अपना मन मार के हमने रेखा को ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि मतलब कि कुछ है भी, तो लेकिन हमें अंदर अंदर इतना अंदर अंदर हम ना मतलब खाए से जा रहे थे मतलब कुछ मतलब खाने हम छुपा कैसे रहे छुपा हैं, कैसे रहे हैं, लेकिन जब अगले दिन मतलब हमने वो चीज़ देखा ना तो हमें रियलाइज हुआ कि बहुत सही था जो नहीं बताया, नहीं बताया। क्योंकि बताऊँ लड़की यही चीज़ है लड़की नहीं रोक पाती, और इतना उनका इंट्यूशन ना मतलब कि ना कहीं दो तीन दिन पहले से ना उनको भूख की नहीं लग रही थी, मैं उनको ना फिर मैं उनको ना जबरदस्ती खाना रोज बोलती थी कि मतलब रेखा खाना खा लो रेखा खाना, पर कहते भूख ही नहीं लग रही भूख ही नहीं लग रही, और इस टाइम तो इंसान को इतनी भूख लगनी चाहिए, दो तीन दिन से ना उनकी रोटी ही छूट गई थी, बड़ी मुश्किल से खा रहे थे एक टाइम खाना, फिर आते टाइम भी जैसे मामा का फ़ोन आया मतलब उनके फूफा लगते हैं वो मेरे मामा लगते हैं,
तो कह रहे थे कि बेटा मतलब रेखा को ना कुछ खिला वगैरह दियो, तो उनको खिलाया वो भी रास्ते में, तो कहते भूख ही नहीं लग रही, जो तुम खाओगे हम वो खा लेंगे। पर सच्ची में यार हर चीज़ उनके साथ ज़बरदस्ती करवाई खाने पीने में, रात को भी उनको बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी पानी पर जाने के बाद, तब भी उनको ज़बरदस्ती खाना खिलवाया है। और फिर जैसे सुबह उनको 3 बजे जैसे बताया कि हाँ दादी वादी उनका, फिर उनके मन में ना डाउट तो हो ही गया था। फिर वहाँ जाके जो पता चला जो चीज़ हुई, अब देखो जाने वालों को तो रोक नहीं सकते, वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है, पर उनको देख मतलब कि जो इंसान है हम उनकी केयर तो कर ही सकते हैं ना। अभी हम जो उनको फील हो रहा है ना, जो रेखा को फील हो रहा है, उसकी फैमिली को जो फील हो रहा है, हम वो दर्द ना बिल्कुल इमेजिन भी नहीं कर सकते भाई उनका जो गया है, पर हम उनको उनके साथ उनको दिलासा तो दे ही सकते हैं। तो इस वजह से यार हमारे ब्लॉग्स नहीं आए थे और बनाने का भी मन नहीं कर रहा था मेरे को ना, देखो कभी ना ऐसा फील नहीं हुआ मुझे खाली खाली पन से, मेरे को ऐसा अकेला ही रहना बिल्कुल शांत, मतलब शांत रहना बिल्कुल वो होता है, शोर शराबा पसंद नहीं है, पर उस दिन से ना मेरे को भी बिल्कुल एक घर ना खाली खाली सा लग रहा। ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ नाउ।